नमस्कार, यू वॉचिंग 1768। मैं हूँ आपका दानिश शर्मा और शिमला में, सॉरी सोलन में मौसम बहुत ख़राब है, तो मैं गाड़ी की वॉशिंग कराने के लिए गया था। सो जैसे आप देख सकते हैं बाहर, तो 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। 5 मिनट मुझे कई सारी बातें आप लोगों के साथ करनी है। जब आदमी के पास पैसा होता है ना, तो उस पैसे को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या उसका करना चाहिए, तो सबकी अपनी अपनी विश होती है, सबकी अपनी अपनी वो होती है, इच्छा होती है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। एग्जांपल के तौर पे मैं सोनू सूद जी को आगे लाना चाहूँगा। सोनू सूद भाई ने जो काम किया है, मतलब मैं उनसे इंस्पायर हूँ और ऐसे लोगों से मैं हमेशा इंस्पायर रहता हूँ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि आज की डेट में मेरे पास जितना भी एक स्टार्डम, जिसे बोलते हैं पैसा है, एक अप्रोच है, इमेज है, वो सब पब्लिक की वजह से है। और जो पैसा मैंने कमाया है, वो मैंने उनकी कमाया है। तो मैं उन लोगों की मदद क्यों ना करूं जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि लाइफ में अगर पैसे ज़्यादा हो जाए ना, तो उन लोगों की मेहनत हमेशा तो देखी जाती है। जो लोग इतनी मेहनत कर करके इतने, जो लाइफ में जो उनको मिलना चाहिए सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि जिन लोगों के पास पैसा है ना, वो भी परेशान है। तो अगर जो लोग अंधाधुंध, जिन लोगों के पास पैसा है ना, उन भाइयों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप रोड में जाके किसी गरीब आदमी की मदद करोगे, जो सोनू सूद भाई ने किया है, वही काम हम लोगों को करना चाहिए। आज की डेट में उनके लोग इतने फॉलोअर्स और इतने फैन बन गए हैं कि डबल, मैं खुद इंस्पायर हूँ उनसे। और भगवान ने मुझे इस लाइक बनाया, तो मैं ज़रूर उन लोगों की मदद करूँगा जो अपने घर नहीं जा पाते हैं। अरे यार, वो लोग भी तो है जो 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। आप चाहे अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हो, कोई भी काम करा रहे हो, कोई भी लेबर है, बाहर की लेबर होती है, कोई बिहार का है, कोई नेपाल का है, कोई कहीं का है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी में जो इतना कुछ हुआ और लोग डर रहे थे कि रोड में आने के लिए, लेकिन सोनू सर जो है, उन्होंने बिना सोचे समझे, निडर होके, जिसको बोलते ना कि मेरे को बीमारी ना लग जाइए, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा। और आज की डेट में सोनू सर के लिए दोबारा से हैंड्स ऑफ। मैंने पहले भी उनकी वीडियो बनाई है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी तरह बन पाऊं। सिंपल, बिल्कुल साधारण, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई जिसे बोलते हैं ना कि यार बंदा हवा में रहता है, वैसा कुछ नहीं है। और कभी भी मूवी आया करेगी तो मैं उनकी मूवी हमेशा देखा करूंगा। और लव यू सोनू सर। और बस उन लोगों को कई मैं यही बोलना चाहता हूँ, भाई प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए कोई, आपके पास कोई हेल्प के लिए आए, तो आप उनकी हेल्प करिए, उनकी दिल से मदद करिए। आदमी के पास पैसा और स्टार्टअप जो आता है ना, वो इंसान ही दिलाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए और अपने पैसे का जो यूटिलाइज है ना, ऐसे लोगों पर किए जो आपको दुआएं दे, आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। हालांकि मेरे अंदर, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे अंदर कमी नहीं है, मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को चेंज करने की। लेकिन रीज़न ये है कि मेरे सामने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बदलने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को गलत साबित करके दिखाऊँगा और अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कभी लाइफ में मौका मिला ना मदद करने की, तो लाइफ में मदद करूँगा बीच रोड में आके। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और मैं सच में, मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़, मैं हमेशा जो बोलता था सेव एनिमल्स के, वीडियो कनेक्ट हो गई थी मेरी, डिसकनेक्ट हो गई थी, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सेव लाइव्स। अगर सामने वाला बंदा परेशान है ना, उसकी मदद करो, क्योंकि कल को पछताने के वाला कुछ नहीं मिलेगा। जब हम किसी आदमी को सुसाइड करते हुए, फंदे में लटकते हुए देखते ना, तो मैं तो बहुत दुखी होता हूँ और मुझे वाकई में, मैं हेल्पलेस हो जाता हूँ कि यार मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर पाया। लास्ट में यही अफसोस करने को मिलता है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट्स करना और अपना प्यार मुझे इसी तरह
दे रहे हैं। लव यू गाइस, टेक केयर।